आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाएंगे 21 ऐसे मजेदार गैजेट के बारे में जो कि एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का नमूना रहते हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर पर चलने के लिए, जहां पर मिलेंगे आपको एक से बढ़कर एक मजेदार गैजेट। तो देखते हैं कि कौन रहता है यहां पर नंबर 1 पर। लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं 21 पर कौन है। नंबर 21, R7 वेरिएबल फैन। गर्मी के मौसम में राहत देने के लिए जो पंखे होते हैं वो एक जगह पर फिक्स होते हैं, लेकिन अगर आपका आउटडोर का काम है जिसमें आपको ज्यादा ऑफिस नसीब नहीं होता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके की गैजेट को। ये हेडफोन की तरह दिखने वाला एक ऐसा गैजेट होता है जिसे कि आपको अपने गले में टांगना होगा, जो कि आपके लिए एक छोटे से पोर्टेबल फैन का काम करता है जो कि आपकी शर्ट के अंदर ठंडी ठंडी हवा फ्लो करेगा। वहीं दोस्तों, इसमें टिल्ट के फीचर होते हैं जिससे कि आप इसे आगे या पीछे दोनों ही तरफ इस्तेमाल कर सकते हैं और पूरी तरीके से लॉक होने की वजह से इसमें गिरने का भी डर नहीं रहता। यानी कि अगर आप इसे पहनकर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो वहां पर भी ये एकदम परफेक्ट रहेंगे आपके लिए। नंबर 20, पॉलीगन लाइट्स। दोस्तों, अगर आप अपने रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ ऐसी लाइटिंग्स चाहते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा मजेदार लगे तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के पॉलीगन को। दोस्तों, ये एक तरीके की ऐसी हेक्सा लाइट्स होती है जिनको आप कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से मैग्नेटिक अटैचमेंट के जरिए, जिन्हें टच करते ही ये फौरन जलने लगती है। साथ ही आप इन्हें टच करके ही बंद कर सकते हैं जो कि एक इसका मजेदार फीचर रहता है। इसमें आप काफी सारे पॉलीगन्स को ऐड करके एक बेहतरीन डिजाइन भी बना सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। नंबर 19, ब्लॉक्स। दोस्तों, आपने पियानो तो काफी सारे देखे होंगे, लेकिन अगर आप एक ऐसा पियानो चाहते हैं जो कि साइज में थोड़ा सा छोटा हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। दोस्तों, ये एक तरीके का मिनी साइज पियानो होता है जिसमें टच सेंसिटिव बटन्स लगी होती हैं, जो कि नॉर्मल पियानो से काफी ज्यादा अलग होती है। आप इसमें और भी काफी सारे पैड्स अलग करके एक बड़ा साइज का भी पियानो बना सकते हैं। वहीं इनकी टचेबल बटन्स अलग अलग तरीके के जेस्चर को भी सपोर्ट करती हैं, यानी कि अगर आप इन्हें स्लाइड कराते हैं या फिर अलग अलग तरीके से टच करते हैं तो इसमें आपको काफी सारे अमेजिंग इफेक्ट भी दिखाई देंगे, जो कि एक कमाल की बात रहती है। इसके साथ आपको छोटे छोटे ब्लॉक्स भी मिल जाते हैं जिन्हें कि आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं और इनके अलग अलग कलर पर टच करके आप बेहतरीन तरीके के साउंड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। नंबर 18, कोरोहुक हैंड गैजेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस का पब्लिक ट्रांसमिशन एक दूसरे के छूने से होता है, लेकिन आप चीजों को कितना भी अवॉइड कर ले आपको कुछ न कुछ ऐसा टच करना ही पड़ेगा जो कि जरूरी होता है। तो आप अगर चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है। दोस्तों, प्लास्टिक का बना ये एक ऐसा गैजेट होता है जिससे कि आप आसानी से चीजों को टच कर सकते हैं। साथ ही इसके हैंडल को हल्का सा कर्व रखा गया है जिससे कि चीजों को उठाने में आपको मदद मिलेगी। साथ ही ऑफिस वगैरह के गेट खोलने में भी ये आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। तो अगर आप इसकी कीमत जानना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 17, मीरा पूल क्लीनिंग रोबोट। दोस्तों, स्विमिंग पूल को साफ करना काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम होता है क्योंकि इसमें पहले तो पूरे पानी को बाहर निकालना पड़ता है जिसके बाद धुलाई होती है। लेकिन अगर आप चाहें इस काम को डेली बेसिस पे करना तो ये रोबोट आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा क्योंकि खास तौर पर ये इसी काम के लिए बनाया गया है। बस इसको आप पूल में डाल देते हैं जिसके बाद ये सारा का सारा काम खुद ही कर लेता है। पूरी तरीके से ऑटोमेटेड होने की वजह से इसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसके ऊपर की तरफ इसका कंट्रोलर रहता है जिससे कि आप इसे ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। इसकी क्लीनिंग स्पीड भी बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है जो कि आपकी पूल को फटाफट साफ कर देगी। नंबर 16, ब्लेज पॉट। दोस्तों, अगर आप अपने जिम की वार्म अप एक्सरसाइज के लिए एक बेहतरीन गैजेट चाहते हैं तो इस तरीके की टच सेंसिटिव एलईडी लाइट आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगी। ये एक तरीके की ऐसी लाइट होती है जिन्हें आपको अलग अलग लगाना होगा जिसके बाद आप इसे काफी तरीके के वार्म अप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। वही छोटे मोटे गेम्स में भी आपके काम आएगी और साथ ही अगर आप बॉक्सिंग वगैरह सीख रहे हैं तो वहां पर भी ये आपके लिए एक बेहतरीन ट्रेनर का काम करती है। तो इस तरीके की लाइटिंग बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है जिन्हें आप अपने फोन से भी चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 15, क्लू मास्क। दोस्तों, अभी तक आपने काफी सारे मास्क देखे होंगे और इस्तेमाल भी करे होंगे, लेकिन अगर इनके कंफर्ट की बात करी जाए तो इसमें कंफर्ट लेवल लगभग जीरो होता है। मास्क लगाने में काफी ज्यादा उलझन होती है जिससे कि बहुत सारे लोग इसे बार बार हटाया करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के मास्क को जो कि काफी ज्यादा कमाल का रहता है। ये एक ऐसा मास्क होता है जिसके आगे की तरफ एक ग्लास शील्ड लगी रहती है जो कि काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। अगर आपको कुछ खाना पीना है तो आप आसानी से इसे ओपन कर सकते हैं और उसके बाद इसे फिर से आप बंद कर लीजिए। वहीं दोस्तों, इसमें यूवी सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करके रखी गई है, यानी कि जब आप इसके चार्जिंग डॉक पर इसे लगाते हैं तो ये खुद ब खुद ही सैनिटाइज हो जाता है जिससे कि अगली मॉर्निंग के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाइए। नंबर 14, इंडक्शन चिलर।
दोस्तों गर्मी के मौसम में अगर आप कोल्ड ड्रिंक या फिर ठंडा पानी टेबल पर रखते हैं तो थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है, जिससे कि कहीं ना कहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह को पीने का मजा तो एकदम खराब ही हो जाता है। लेकिन अगर आप इस चीज से बचना चाहते हैं तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के पैड को, जो कि काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। दोस्तों इसमें अगर आप अपने ठंडे पानी का ग्लास या फिर कैन वगैरह रखते हैं तो ये काफी देर तक ठंडा रहता है, जो कि इसकी एक खास बात रहेगी। तो अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह को मजे लेकर आराम से पीना चाहते हैं तो लंबे समय तक आप इसमें रखकर उसे ठंडा रख के पी सकते हैं। नंबर 13, रोडी 3। दोस्तों बात हो गिटार या फिर काफी सारे ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट्स की, तो इसमें जो स्ट्रिंग्स यानी कि तार होती हैं, इन्हें कसने का बहुत बड़ा खेल होता है। आपको जिस तरीके की साउंड चाहिए आपको तारों को उसी तरीके से कसना पड़ता है। लेकिन अगर आपको इस बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि आपके लिए ये काम चुटकियों में कर देगा। दोस्तों बस इसे आपको स्ट्रिंग वाले सेक्शन में लगाना होगा, जिसके बाद ये खुद ब खुद उसे टाइट कर देता है। बस आपको ये बताना होता है कि आपको किस तरीके की साउंड चाहिए। तो कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट म्यूजिक लवर्स के लिए। नंबर 12, क्वाइन कैप्सूल। दोस्तों क्वाइंस को मैनेज करना काफी ज्यादा टफ होता है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी जेब में सिक्के रखते हैं और वो कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता हो तो ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से गैजेट को, जो कि आपकी क्वाइंस को मैनेज करने में आपकी मदद करेगा। ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसमें आप अलग अलग साइज के काफी सारे क्वाइंस को रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर आसानी से आप क्वाइंस को निकाल कर खर्च कर पाएंगे। तो बड़ा ही कमाल का रहता है इस तरीके का गैजेट। तो अगर आपको भी पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। नंबर 11, सर्किल जीरो सेल्फ क्लीनिंग लिटर बॉक्स। दोस्तों पेट्स रखना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन उसकी उतनी ही ज्यादा केयर भी करनी चाहिए। तो अगर आप भी अपने पेट के वेस्टेज को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिशनल तरीकों का, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की गैजेट, जो कि एक तरीके का सेल्फ क्लीनिंग रोबोट होता है। ये सारे के सारे वेस्टेज को एक बैग में पूरी तरीके से सील कर देता है, जिसे की बस आपको डस्टबिन में डालना होगा। तो बहुत ही ज्यादा काम को आसान बना देता है ये आपके लिए। नंबर 10, साइड किक बाय फ्यूज। दोस्तों लैपटॉप के चार्जर को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़े और भारी भरकम होते हैं। ऐसे में अगर मैकबुक की बात करी जाए तो उसमें भी सेम यही सिचुएशन होती है, और दोस्तों चार्जर खराब हो गया तो आपकी लंका लगनी तो एकदम तय है। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैनेज करना उसे इस तरीके के गैजेट के माध्यम से, तो ये काफी ज्यादा काम को आसान बना देता है। इसमें आप अपने मैकबुक के चार्जर को लगाने के बाद पूरी की पूरी केबल इसमें लपेट देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं केबल को मैनेज करने में आपकी मदद करेगी। तो अगर आप भी एक मैकबुक यूजर हो तो ट्राई करके इसे देख सकते हैं। नंबर 9, ज़िपऑन की ऑर्गेनाइजर। दोस्तों अगर आपसे भी चाबियां खो जाया करती हैं तो इस्तेमाल करके देख सकते हैं आप इस तरीके की छोटी सी की रिंग को, जो कि आपके लिए एक बेहतरीन की ऑर्गेनाइजर की तरह काम करती है। इसमें आप मल्टीपल कीज को एक साथ अटैच कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने बॉटल ओपनर, कैन ओपनर वगैरह को साथ में लेकर कैरी कर सकते हैं। इस तरीके की छोटी सी की रिंग आपके लिए एक बेहतरीन मल्टी टूल का भी काम करेगी, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार रहेगी। नंबर 8, सोनी ZV-1 ब्लॉगिंग कैमरा। दोस्तों ब्लॉगिंग के लिए कैमरा जितना छोटा और लाइट वेट हो वो उतना ही ज्यादा बेहतरीन रहता है। तो अगर आप भी चाहें तो सोनी के इस कैमरा को ट्राई करके देख सकते हैं, जो कि एक तरीके का मिररलेस कैमरा होता है, जो कि खास तौर पर ब्लॉगिंग के लिए ही बनाया गया है। इस कैमरे की खास बात ये होती है कि इसका फोकस काफी ज्यादा बेहतरीन रहता है, क्योंकि इसमें आपको आई डिटेक्शन दे रखा होता है। साथ ही आप चाहें तो इसमें एक्सटर्नल माइक वगैरह को भी अटैच कर सकते हैं, जिससे कि ब्लॉगिंग करने में और भी ज्यादा आसानी रहे। तो अगर आप इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 7, Acer Concepted 3 Easel Pro Creator लैपटॉप। दोस्तों अगर आप एक ऐसा विंडोज लैपटॉप चाहते हैं जिसका इस्तेमाल आप डिजाइनिंग वगैरह के लिए कर पाए, यानी कि जो कि टैबलेट और लैपटॉप दोनों ही मोड में एक साथ काम कर सके, तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के लैपटॉप को। Acer की तरफ से आने वाला ये लैपटॉप इंटेल कोर i7 के साथ आता है, और साथ ही टच स्क्रीन डिस्प्ले होने की वजह से आप इसमें स्टाइलस पेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें स्क्रीन टिल्ट के ऑप्शन दे रखे होते हैं, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल डिजाइनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा लैपटॉप जो कि काफी ज्यादा पावरफुल हो, तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप लैपटॉप को। नंबर 6, कैनो पीसी। दोस्तों बच्चों को काफी हैवी लैपटॉप देने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उनका जो वर्क होता है वो काफी ज्यादा बेसिक लेवल का होता है। तो अगर आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो कि कम कीमत का हो और साथ ही बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट रहे, तो ट्राई करके देख सकते हैं आप इस तरीके के छोटे से लैपटॉप को, जो कि एक ऐसा गैजेट होता है जो कि काफी लाइट कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। साइज में तो ये एक टैबलेट की तरह होता है, जिसमें आप कीबोर्ड और माउस वगैरह अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसमें विंडोज कॉन्फ़िगरेशन दे रखी होती है, यानी कि आप इसे विंडोज 10 पर ऑपरेट कर पाएंगे। तो अगर आप इसकी कीमत जानना चाहते हैं तो इसके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 5, टोनल फिटनेस सिस्टम।
दोस्तों आजकल फिटनेस काफी बड़ी प्रॉब्लम होती जा रही है, तो अगर आप अपने घर में ही अपने आप को फिट रखने का काम करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। ये एक तरीके का ऐसा गैजेट होता है जो कि वर्कआउट करने में आपकी काफी ज्यादा मदद करता है। इसमें आगे की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होती है जहां पर आप वीडियोस देखकर वर्कआउट कर सकते हैं, साथ ही आपके किए गए वर्कआउट की पूरी डिटेल भी अपने पास रिकॉर्ड रखेगा। इसको आप एक्सरसाइज के अलग अलग तरीकों में इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा मजेदार रहता है। तो अगर आप भी अपने घर में एक ऐसा छोटा सा जिम चाहते हैं जिसका इस्तेमाल अपने वर्कआउट के लिए कर पाए तो ये कमाल का रहेगा आपके लिए। नंबर 4, कोराविन मॉडल 11। दोस्तों वाइन या फिर कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल को अगर आप खोल देते हैं तो कहीं ना कहीं उसका टेस्ट वहीं से खराब होना शुरू हो जाता है। या तो आप पूरी उसे फिनिश कर दीजिए, लेकिन अगर आप उसे फ्रिज में रखते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी गैस निकल जाती है। तो आप ट्राई कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को जो कि खासतौर पर वाइन के लिए बनाया गया है। ये कॉक को इंजेक्ट करता है जहां से आपकी कोल्ड ड्रिंक बाहर निकल के आएगी, और जैसे ही आप इसे हटाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एकदम सील बंद बॉटल देखने को मिलेगी। तो इस तरीके का कमाल का गैजेट आपको कैसा लगा है ये बात आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। नंबर 3, बूजर एच। दोस्तों जब आप हेडफोन लगाकर गाने सुनते हैं तो आपको म्यूजिक का बेस आपके कानों में फील होता है, लेकिन अगर आप इसे पूरी बॉडी में फील करना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट। दरअसल बैंड जैसा ये एक गैजेट होता है जिसे कि आपको अपनी बॉडी पर पहनना होगा, और ये गाने के बेस को आपकी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक तरीके से फील कराता है। इस तरीके का गैजेट गेमर्स वगैरह को भी काफी ज्यादा पसंद आएगा जिससे कि वो उसे और भी ज्यादा मजे से फील कर सकेंगे। नंबर 2, एक्सट्रीमिस्ट कूलिंग सिस्टम। दोस्तों अगर आपका काम आउटडोर का बहुत ज्यादा रहता है तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके की कूलिंग सिस्टम को। दरअसल ये एक ऐसा मिस्ट फैन होता है जो कि पानी की हल्की हल्की बूंदे बनाता है जिससे कि आपके आसपास मॉइस्चर क्रिएट होगी, और यही हल्की हल्की पानी की बूंदे आपकी पूरी बॉडी को ठंडक पहुंचाती है। तो इस तरीके के गैजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप गर्मियों के मौसम में ठंडक पहुंचाने के लिए। वहीं दोस्तों स्पोर्ट्समैन वगैरह को भी इस तरीके का गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है जिसे कि वो अपने वर्कआउट के दौरान इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो के अंदर देखिए एक से बढ़कर एक कमाल के गैजेट, लेकिन अब बात हो नंबर 1 की तो इसमें तो कुछ खास होना ही चाहिए। लेकिन उससे पहले हम सभी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो इंटरटेनिंग लगी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। वहीं अगर आप इनमें से दिखाए गए किसी भी गैजेट को परचेज करना चाहते हैं या फिर कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन रहता है इस लिस्ट के नंबर 1 पर। नंबर 1, सोलो व्हील। दोस्तों एक पहिए पे चलने वाली गाड़ियां आपने पहले के समय में देखी होंगी, लेकिन आपको पता होगा कि उन पर चलने के लिए बहुत ज्यादा परफेक्शन और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। लेकिन अगर आप भी इसका मजा लेना चाहते हैं वो भी बिना किसी खास प्रैक्टिस के, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। दरअसल एक पहिए पे चलने वाला ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसका इस्तेमाल शॉर्ट डिस्टेंस में जाने के लिए किया जा सकता है। इसकी खास बात ये होती है कि ये पूरी तरीके से बैलेंस रहता है खुद ब खुद, बस आपको इस पर खड़ा होना होगा, जिसके बाद आप इससे कहीं भी जा सकते हैं। तो कमाल का रहता है ये गैजेट जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन गैजेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।